स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 का पोएट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सिंपैथी और जिसके राइटर हैं चार्ल्स मैके। तो चार्ल्स मैके द्वारा लिखे गए पोयम सिंपैथी को एक्सप्लेन करूंगा। इस पोयम में दो तरह के मददगारों की बात बताई गई है, क्योंकि हर आदमी के जीवन में मुश्किल समय आता है और मुश्किल समय आने पे कुछ सहायता करने वाले भी मिलते हैं। तो दोनों तरह के सहायकों में कौन से सहायक या किस प्रकार की सहायता अच्छी होती है, इस बात को इस पोएम में बताया गया है। राइटर के अनुसार मुश्किल घड़ी में दो तरह के सहायक होते हैं। एक वे जो धनी होते हैं पर उनके अंदर सहानुभूति का कोई भाव नहीं होता, वे धन से तो सहायता कर देते हैं लेकिन सहानुभूति नहीं दिखाते, कोई सहानुभूति के बोल नहीं बोलते। और दूसरे वे सहायक होते हैं जो निर्धन होते हैं, गरीब होते हैं, वे सहानुभूति के बोल बोलते हुए शारीरिक श्रम करके आपकी सहायता करते हैं। तो इन दोनों तरह के सहायकों में कौन सी सहायता बेहतर है, ऐसा पोएट ने या कवि ने बताया है। पोएट के अनुसार दूसरे तरह का सहायक बेहतर होता है, जिसकी सहायता में सहानुभूति भी मिली होती है। तो दोस्तों, आते हैं अब पोयम पे। उससे पहले मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस्ड, माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हार्ड, हिज लुक्स वेयर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड बट नॉट ए काइंडली वर्ड। पोएट कह रहा है, कवि कह रहा है कि एक बार मैं दुख में पड़ा हुआ था, दुख से घिरा हुआ था और गहरी खिन्नता से भरा हुआ था। मतलब मेरे अंदर खिन्नता भरी हुई थी और मैं दुखों से घिरा हुआ था। माय ग्रीफ ए प्राउड मैन हार्ट, और मेरे दुख के बारे में एक अभिमानी व्यक्ति ने सुना। अभिमानी व्यक्ति से मतलब है एक धनवान व्यक्ति से। प्राउड मैन का मतलब तो ऐसे अभिमानी व्यक्ति ही होता है। तो एक अभिमानी व्यक्ति मेरे दुख के बारे में सुना। हिज लुक्स वेयर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड। जब वो मुझसे मिला तो उसके हाव भाव में बिल्कुल ठंडापन था। मतलब उसके मिलने में कोई जो इमोशंस होते हैं, जो भाव होते हैं, तो वो भावविहीन था। लेकिन उसने मुझे गोल्ड दिया। गोल्ड से यहाँ पे मतलब है धन से। उसने मिला, भाव विहीन होके ही मिला, लेकिन उसने मुझे धन दिया, धन दे के मेरी सहायता की। बट नॉट ए काइंडली वर्ड, लेकिन सहानुभूति का एक शब्द भी उसने नहीं कहा। मिला और सहायता किया धन से, लेकिन भाव विहीन सहायता किया बिना किसी सहानुभूति का शब्द कहे हुए। माई सारो पास्ट, आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी। फिर मेरा जो दुख का समय था वो गुजर गया, मेरा कष्ट दूर हो गया। उसके बाद मैंने उस व्यक्ति को उसका धन लौटा दिया। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड ए चैरिटी। उसके बाद मैं गर्व से उस अभिमान के साथ खड़ा हो गया और उसको धन्यवाद भी बोला, और उसकी चैरिटी के लिए, उसकी सहायता के लिए मैंने उसको आशीर्वाद भी दिया। अब दूसरी स्थिति में पोएट कह रहा है, आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन। अब दूसरी बार पोएट फिर से अभावों से ग्रस्त है, दुखी है और कष्टों से घिरा हुआ है। पोएट कह रहा है कि मैं अभावों से घिरा हुआ था, दुख से भी घिरा था और कष्टों ने भी घेर रखा था। ए पुअर मैन पास्ट माई वे, एक गरीब आदमी मेरी तरफ से गुजरा।
He bound my head. He gave me bread. ऐसी स्थिति में जब मैं असहाय था, दुखी था, परेशान था, तो एक गरीब व्यक्ति मेरी तरफ से गुजरा और मेरे सर पे पट्टी बांधी और मुझे खाने के लिए रोटी भी दिया। He washed me night and day. उसने दिन रात मेरी देखभाल की। How shall I pay him back again for all he did to me? अब कभी अपने आप से पूछ रहा है कि यह सब मैं उसको दोबारा कैसे लौटा पाऊंगा जो कुछ उसने मेरे साथ किया। जो घमंडी व्यक्ति था, जिसने धन से सहायता किया था, स्वस्थ होने पर या दुखों के बीच जाने पर मैंने उसके धन को लौटा दिया। धन को लौटाना संभव है, लेकिन इस तरह की जो सहायता की गई जो एक गरीब व्यक्ति ने किया, अब मैं स्वस्थ होके या दुखों से पार पाने के बाद इस सहायता को उस गरीब आदमी को कैसे लौटाऊं? ओ गॉड, इट ग्रेट बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी। अब यहाँ कवि कह रहा है कि धन तो निश्चित रूप से बड़ी चीज होती है, लेकिन जो ईश्वरीय सहानुभूति होती है वह कहीं धन से भी बड़ी होती है। ईश्वरीय सहानुभूति से मतलब है कि सहानुभूति में ईश्वर बसे होते हैं। अगर कोई व्यक्ति सहानुभूति दिखाता है तो वह ईश्वर प्रदत्त एक भावना होती है और यह भावना धन से कहीं बड़ी होती है।